हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी वे ऑफ लर्निंग में। एंड आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमें पता है चार पार्ट होते हैं। हर टेंस के चार पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है इसके वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता ती ते है आदि आता है, आदि आता है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे राम स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, मैं खाती हूँ, वह सोता है। ऐसे ही सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। एंड सबसे पहले इसका रूल क्या कहता है, मतलब इसको हमें कैसे बनाना है, इसका रूल बताता है। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है वाक्य के अंदर जो भी काम करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें पता है वर्ब की थर्ड तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें यूज़ करना है एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल जो है वो अफर्मेटिव के लिए है। अफर्मेटिव क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं और क्या का यूज़ नहीं किया जाता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल फॉर, राम पढ़ता है, अफर्मेटिव। जैसे वह पढ़ता है। और इसको हम रूल से बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह पढ़ता है। काम कौन कर रहा है, वह। तो वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। ही रीड। एस या ई एस दोनों में से एक चाहिए। इसके साथ हमें एस का यूज़ करना है, ही रीड्स। अब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि हमें कौन सी वर्ब के साथ एस का यूज़ करना है और कौन सी के साथ एस ई एस का यूज़ करना है, तो हम इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, मतलब ही, सी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो वहाँ पे हमें एस और एस का यूज़ करना है, एस और एस का यूज़ करना है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे वह पढ़ता है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। ही के साथ हमें एस और एस का यूज़ करना था, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, एस। अब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ये भी होती है कई बच्चों को कि हमें कौन सी वर्ब के साथ एस यूज़ करना है और कौन सी के साथ ई एस का यूज़ करना है। तो जिन भी वर्ड के पीछे, जिन वर्ब के लास्ट में, जिन वर्ब के लास्ट में एस, एच, ओ, एक्स, इन चारों में से कोई सा भी वर्ड आता है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम उसके साथ ई एस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल फॉर, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। सब्जेक्ट कौन है हमारा, वह, मतलब ही। फिर हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा, जाना। जाने को कहते हैं गो। अब देखिए, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और गो में पीछे क्या आ रहा है, ओ। एस एच ओ एक्स में ओ है, मतलब हमें इसके साथ क्या यूज़ करना है, ई एस। तो हो जाएगा ही गोस। कहीं भी जाने के लिए टू का यूज़ किया जाता है, ही गोस टू स्कूल। सेकंड, अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल है, मतलब आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो हमें एस और ई एस का यूज करना ही नहीं है। नोट, यूज, एस और ई एस।
अभी हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट, अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का यूज़ किया जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल फॉर वह स्कूल नहीं जाता है, इसका रूल क्या कहता है। सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं हम। इसके रूल में सबसे पहले होता है हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के पास हमें डू और डस का यूज़ करना है। डूरस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है। अब किसके साथ में डू का यूज़ करना है और किसके साथ में डस का यूज़ करना है। जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर होते हैं, ही सी इट सिंगुलर नाउन होते हैं, तो वहाँ पे हमें यूज़ करना है डू का, सॉरी डस का। और प्लूरल नाउन के साथ में हमें यूज़ करना है डस का। सॉरी, प्लूरल नाउन के साथ हमें डू का यूज़ करना है और सिंगुलर नाउन के साथ हमें डस का यूज़ करना है। एग्जाम्पल फॉर वह स्कूल नहीं जाता है, वह के लिए हमने यूज़ किया ही। ही हमारा सिंगुलर नाउन है इसलिए हम यूज़ करेंगे डस। ही डस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डस नॉट गो टू स्कूल। इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे हम, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या का यूज़ किया जाता है, क्यों का यूज़ किया जाता है, हम इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन भी सेंटेंस में पर्सन पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है सबसे पहले हमें चाहिए डू या डज। डू डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह स्कूल जाता है, सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नाउन है मतलब हमें यूज करना है डज का, तो हो जाएगा डज। ही वर्ब चाहिए गो, डज ही गो टू स्कूल।